हरदोई में पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। जी हां, पूरे जिले में चले अभियान में 29 किसानों को पराली जलाते पकड़ा गया, जिनके ऊपर 1,12,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। वहीं 6 के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई गई है। किसानों पर ही नहीं, लापरवाही में लेखपालों पर भी कार्रवाई हो रही है। जी हां, पूरम में शिथिलता बरतने पर 2 लेखपालों को निलंबित किया गया है, 3 को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई। 52 के बिठारी गांव में पराली जलते मिलने पर SDM ने लेखपाल को कठोर चेतावनी दी है। जी हां, रविवार को अवकाश था। अमूमन लोगों के मन में था कि रविवार को कोई देखने नहीं आएगा और पराली जला ले। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने पराली जलाने वालों की ऐसी मंशा समझकर पूरे जिले में सघन अभियान चलवाया। जी हां, इस दौरान तहसील शाहबाद में 6, सवायजपुर में 3, बिलग्राम में 2, संडीला में 7 और सदर तहसील में 11 किसान पराली जलाते हुए मिले। इन किसानों पर 1,12,000 का जुर्माना किया गया है। इसके अलावा 52 विकास खंड के बिठारी गांव में पराली जलाने की सूचना पर SDM सदर राकेश कुमार व तहसीलदार रामवीर मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने खुद खड़े होकर ट्रैक्टर से खेत जोतवाकर आग बुझाई। जी हां, सिटी मैजिस्ट्रेट गजेंद्र सिंह ने बताया कि 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है। वहीं पूरम में 16 तारीख को पराली जलाए जाने में लेखपाल शैलेश सिंह, विनीत यादव तथा राजकिशोर मिश्र को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है। बताया कि लापरवाही पर लेखपाल वल्लीपुर अवधेश सिंह व ओदरा पछलाई के लेखपाल शिव दयाल वर्मा को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि शासन के सख्त आदेश हैं और पराली जलाने वाले किसानों पर तो कार्रवाई होगी ही, लेखपालों का भी निलंबन किया जाएगा। सैटेलाइट से जांच चल रही है और उसी से सूचना भी मिल जाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस पर बहुत विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी विभिन्न दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके क्रम में समस्त जनपदों में इसके विरुद्ध एक अभियान चलाया जा रहा है कि किसानों द्वारा पराली ना जलाई जाए। उसमें हम 2 तरीके के एक्शन लिए जा रहे हैं। एक पहला अभियान जागरूक करने का है, विभिन्न गोष्ठियों के माध्यम से, और जो हमारे फील्ड स्तर के अधिकारी हैं, लेखपाल, कानून और समाज कल्याण, ये ग्राम सचिव, पंचायत सचिव, इनके माध्यम से जागरूकता लाई जा रही है। दूसरा, अगर ऐसे कोई केस आ रहे हैं तो उसमें एक दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है ताकि इसका एक प्रभाव जा सके। तो पूरे जनपद में 29 किसानों के ऊपर 1,12,000 रुपये जुर्माना आरोपित किया गया है। इसमें हमने जो संबंधित हल्का लेखपाल है उनकी जिम्मेदारी फिक्स की है, अगर वो इसमें जागरूक नहीं कर पाते हैं और या फिर ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं तो लापरवाही पाए जाने पर 2 लेखपालों को निलंबित किया गया है और 3 लेखपालों को के विरुद्ध उनके प्रतिकूल प्रविष्टि जारी की गई है और लगातार अभियान जारी है ताकि इसमें जागरूकता के साथ साथ में हम एक्शन के साथ में भी कार्रवाई कर सकें। फिर क्या पराली जलाने को लेकर किसानों को जो क्या है, किसानों के द्वारा जो लोग जागरूक नहीं है उनके द्वारा विरोध किया जरूर जा रहा है, लेकिन उनको बताया जा रहा है कि वातावरण के हित में है और लोगों के जीवन के हित में है और खुद उनके हित में है, तो इसमें सहयोग करें, इसकी हम लगातार उनसे अपील की जा रही है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।